सो इन केस अगर उनका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि प्रेगनेंसी है ठीक है यानी अगर उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहती है, अगर दो लाइंस उसके ऊपर शो हो रही हैं प्रेगनेंसी जो स्ट्रिप है असलम जी आज हम बात करेंगे कि अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए स्पेशली उन कपल्स के लिए जिनकी पहली पहली प्रेगनेंसी होती है और उन्हें नहीं समझ आ रहा होता है कि अब क्या करना चाहिए सो so बेसिकली जब भी आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे होते हैं तो जो आपके लास्ट वाले टेन डेज होते हैं उसके अंदर अक्सर ये सिम्टम्स आना शुरू होते हैं जैसे कि नोजिया है ब्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है गैस की शिकायत होना शुरू हो जाती है या फिर चिटड़ा है या फिर आपके मूड चेंज होते हैं पेट में दर्द की शिकायत होती है कुछ लोग इस सिम्टम्स को प्रेगनेंसी के सिम्टम्स के साथ कंफ्यूज कर देते हैं यानी वो अगर कपल्स आते भी हैं तो वो कहते हैं कि हमें देखिए आखिर दम तक हमें लग रहा था कि प्रेगनेंसी है और जो है जब हमने टेस्ट किया तो वो हल्की सी लाइन शो हो रही थी या नहीं शो हो रही थी और जैसे ही हमारी पीरियड की डेट एक दिन ऊपर हुई है या उसी दिन के ऊपर हमें पीरियड्स आ गए तो उनका ये ख्याल होता है कि ये शायद जो हमारी प्रेगनेंसी चल रही थी वो खत्म हो गई है तो अमूमन ऐसा नहीं होता चूंकि जो ये वाली सिम्टम्स है ना जैसे कि सर दर्द हो रही है या पेट में दर्द हो रही है या दिल खराब हो रहा है ये वैसे पीरियड्स आने से पहले भी हो जाते हैं ठीक है पी के साथ भी हो जाते हैं सो so, बाज़ दफ़ा वो खातन या कपल्स जो है उनको कन्फ्यूज कर देते हैं कि प्रेगनेंसी सिम्टम्स के साथ चूंकि इसको मत कन्फ्यूज कीजिए हाँ अलबत्त ये सिम्टम्स आपको बाद में भी आ रही हो और आपका टेस्ट भी पॉजिटिव आता है तो उस सूरत हाल में ही हम उसको प्रेगनेंसी लेवल कर

अगर उनका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि प्रेगनेंसी है ठीक है यानी अगर उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहती है अगर दो लाइंस उसके ऊपर शो हो रही हैं जो स्ट्रिप है जिसमें आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया है तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव है उसको बार बार करने की जरूरत नहीं है अगर कि वो लाइन हल्की थी फिर आप दोबारा टेस्ट कर सकते हैं नेक्स्ट डे देखने के लिए कि क्या वो डार्क हुई है या वो अभी स्टिल दे, वहां पर है लेकिन अगर दो डार्क लाइंस ऑलरेडी शो हो रही है तो इसका मतलब ये प्रेगनेंसी को ही शो करता है नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए नेक्स्ट स्टेप ये है कि अगर तो आपके पास फॉलिक एसिड मौजूद है और आप पहले से नहीं खा रहे तो आप फॉलिक एसिड जो है ना वो मुख्तलिफ नामों से अवेलेबल है फॉलिक एसिड के नाम से भी अवेलेबल है तो आप सिंपल फॉलिक एसिड का इस्तेमाल तो फौरी तौर पर स्टार्ट कर दीजिए डेली की सिर्फ एक टैबलेट जो है वो आपने लेनी है इसके अलावा जो है बहुत सारे मल्टीवाइटाम की इस टाइम के ऊपर और जरूरत नहीं होती है ये एसिड भी बच्चे के लिए ही जो है है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है। से आपको बचाता है बच्चे की नॉर्मल ग्रोथ में आपको हेल्प करता है सो ये चीज तो आप फौरी तौर पर इस्तेमाल कीजिए बाकी की जो मैनेजमेंट है वो डिपेंड करती है कि आपकी पहले हिस्ट्री क्या रही है यानी पहले अगर बच्चे जया हो जाते हैं मुश्किल प्रेगनेंसीज रही है ब्लड प्रेशर वगैरह के इश्यूज रहे हैं तो बाकी मैनेजमेंट उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। लेकिन फिलहाल तौर पे अगर कुछ नहीं है तो अपना सिर्फ एसिड ले लीजिए। अगर आपको ये सिम्टम्स इसी तरह से रहते हैं, कि सकते हैं और उसके बाद, होने के बाद चार से पांच दिन या वन वीक उसके बाद एक अल्ट्रासाउंड बहुत जरूरी है वो अल्ट्रासाउंड का जो मकसद होता है वो ये है कि हमें ये पता चल जाए कि प्रेगनेंसी अपनी जगह पर है यानी ट्यूब वगैरह में नहीं है प्रेगनेंसी के अंदर है सा बिल्कुल छोटा सा बाद नजर आ रहा होता है वो हमारे लिए एश्योरिंग होता है कि अच्छा चलो एटलीस्ट जो है ना प्रेगनेंसी अपनी जगह पर है बाकी की उसकी जो ग्रोथ है उसके लिए दो हफ्ते के बाद या तीन हफ्ते के बाद भी हम अल्ट्रासाउंड करा के चेक कर सकते हैं सो पहला हमारा ये होता है कि आप ये चेक कर लीजिए कि प्रेगनेंसी अपनी लोकेशन के ऊपर है और अगर जो है आप फौरी तौर पर अल्ट्रासाउंड नहीं करवा सकते तो इन सिम्टम्स का ख्याल रखिए जैसे कि अगर आपको अगर पेट में शदीद दर्द का एहसास होता है उस सूरत हाल में अगर आपको चक्कर आ जाते हैं उस सूरत हाल में अगर आपको हल्का हल्का दाग लग रहा होता है और उसके साथ पेट में दर्द महसूस होती है उस सूरत हाल में उसमें तो फिर बहुत जरूरी है कि आप अल्ट्रासाउंड करवाइए और अगर आपको ये सिम्टम्स नहीं है और अभी अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी नहीं है तो आप दस दिन तक भी इंतजार कर सकते हैं और उसके बाद भी आप अल्ट्रासाउंड करवा के ये चेक कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी की लोकेशन जो है वो अपनी जगह पर है ये आपके पहला इनिशियल स्टेप होता है जिससे जो कि हम समझते हैं इंतहाई जरूरी है उसके बाद अगर तो डॉक्टर से रबता हो जाता है वो आपको आपकी हिस्ट्री के हिसाब से मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब करता है लेकिन अगर आपका अपने डॉक्टर से रबता नहीं होता है तो दूसरा जो अल्ट्रासाउंड है जो कह लें कि कि ये चीज़ कंफर्म करने के लिए कि बच्चे की हार्ट बीट आई, आई है या नहीं आई है उसकी ग्रोथ वगैरह ठीक है कि नहीं है वो पहले तीन महीने में जरूर हो जाना चाहिए अगर आप फौरी तौर पर नहीं भी करवा सके तो और आपको प्रेगनेंसी आपको ठीक लग रही है आपको नोजिया भी हो रहा है आपको सिम्टम्स भी आ रहे हैं प्रेगनेंसी के और आपको कोई ब्लीडिंग स्पॉटिंग भी नहीं है और आपने एक अल्ट्रासाउंड करा के चेक कर लिया था कि अपनी जगह पे तो दूसरा अल्ट्रासाउंड आप तीन महीने में भी करवा सकते हैं वो आपका फिर डेटिंग स्कैन हो जाता है जिसको कहते हैं कि अच्छा आप चेक कर लेते हैं कि एवरीथिंग इज ओके और उसमें पता चल जाता है कि एक बच्चा है दो है सारी चीजें क्लियर हो जाती है ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो लोग जो कि जिनको प्रेगनेंसी के बहुत ज्यादा सिम्टम्स आ रहे होते अगेन वो नहीं रहा कर पा रहे होते हैं ऐसी सूरत हाल में भी अपने आप को परेशान करने की जरूरत नहीं है उसमें आपने ये अपने आप को हाइड्रेटेड रखना होता है पानी का इंटेक अच्छा रखें ओ आर एस वगैरह ले लीजिए अगर आपको कोई मेडिसिन नहीं मिल रही है कोई चीज़ नहीं है तो कोई भी जो घर में वोमिट की दवाई है वो आप एक से दो बार इस्तेमाल कर लीजिए अमूमन जो दवाइयां वॉमिट के लिए दी जाती है वो सेफ होती है तो अगर आपके घर में कोई ऐसी टेबलेट मौजूद है जो कि आप पहले वॉमिट के लिए इस्तेमाल करते हुए तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर जैसे ही आपका डॉक्टर से रबा होता है वो आपको एक प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन और प्रॉपर जो तरीके से प्रेगनेंसी के लिए गाइड कर सकता है ना बहुत सारा ख्याल रखें दुआ में याद रखें